बाबा बालकनाथ मंदिर में रविवार के दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर आशीर्वाद लिया। वहीं भीड़ का फायदा उठाकर बाहरी राज्यों से आई हुई एक महिला ने चेन स्नैचिंग की घटना को भी अंजाम दिया। लोगों की सूझबूझ से चेन स्नैचिंग करने वाली महिलाओं को रंगे हाथ पकड़ लिया। लाइनों में लगी हुई महिला ने सरका घाट से आए हुए श्रद्धालु की चेन पर हाथ साफ किया, जिसे लाइन में ही खड़े हुए एक श्रद्धालु ने देख लिया और चेन स्नैचिंग करने वाली महिला को रंगे हाथों पकड़कर महिला पुलिस के हवाले कर दिया। चेन की कीमत 2.50 लाख रुपए बताई जा रही है। अंजन शर्मा मेरा नाम है और सरका घाट से हम आए हैं। मेरे साथ मेरी ताई सास आई है ना, उनकी चेन नहीं थी जो बाबा के मंदिर में वहाँ से औरत ने निकाल ली। कौन सी जगह है? जोरसिद में बाबा की जगह में वहाँ से चेन उन्होंने निकाल ली, लेकिन हमें मिल गई किसी के थ्रू ना, फिर मिल गई फटाफट चेन। मैम प्रशासन के इस बारे में क्या बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? कौन निकाली आपकी? एक औरत ने निकाली थी चेन ये। आपको हमें पता लगा कि हमारे साथ एक जेंट्स खड़े थे, उन्होंने उतारते टाइम देख ली, औरत खड़ी थी उन्होंने उतारते टाइम देख ली, उन्होंने शोर मचाया, फिर वो चेनी किसी कॉन्स्टेबल के पास पहुंच गई, फिर वहां तो वापस मिल गई चेनी। यहाँ गहने पहन के नहीं आना चाहिए, जितना हो सके गहने घर में रख के आए, घर में उतार के आए, गहने पहन के मत आओ।